जर्नी की शुरुआत होती है नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंडिया का सबसे फर्स्ट हल्दीराम का रेल रेस्टोरेंट, जहाँ पे पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ट्रेन की कोच में डिजाइन किया हुआ था। तो यहाँ पे आपको साउथ इंडियन फूड, बर्गर, सैंडविच वगैरह तमाम चीजें हैं जो खाने के लिए इजीली अवेलेबल देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज की अपनी ये जर्नी नागपुर रेलवे स्टेशन से। लोग जानते होंगे नागपुर अपने इंडिया का सबसे मिडिल सिटी है। भीड़ देखिए कितना है आज नागपुर स्टेशन पे। तो भाई टाइम देखिए, अभी करीब 8 बजने वाले हैं और अपनी जो सेवाग्राम एक्सप्रेस है वो नागपुर स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे देखिए अभी से लगा दी गई है। दरअसल ये ट्रेन नागपुर से 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म से अक्सर चलाई जाती है। प्लेटफॉर्म खाली होने के कारण ट्रेन को जल्दी ही लगा दिया जाता है, लेकिन लाइटें वगैरह अभी भी ओपन नहीं की गई थी। अब गेट वगैरह ओपन होते चलेंगे, दिखाएंगे आज की अपनी आपको सीट। तो यहाँ पे स्टेशन पे हम लोग को वाटर वेंडिंग मशीन देखने के लिए मिलता है, जो कि 5 रुपये में 1 लीटर पानी है जो वो प्रोवाइड कर रहा था। यदि अगर आपके पास बॉटल है तो आप 5 रुपये में 1 लीटर पानी फिलअप करा सकते हैं, यदि नहीं है तो 8 रुपये में पूरा का पूरा कंटेनर ले सकते हैं 1 लीटर का। ये कैसा दिया? 35 का एक दीजिए। ये जो मिल्क शेक है ये 35 का है। यहाँ पे बहुत अलग अलग फ्लेवर के मिल्क शेक अवेलेबल थे, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे बादाम शेक, बिकॉज वो हमारा फेवरेट है। तो देखिए अभी यहाँ से हम लोग ने अभी बादाम शेक है जो वो लिया है, चलिए पीते हैं और कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज की ये जर्नी। तो इस वक्त बज रहे होते हैं रात के 8:40, ट्रेन की लाइटें वगैरह जस्ट अभी ओपन की ही गई थी। वैसे 8 बजे से गेट ओपन था, लेकिन लाइट वगैरह 8:40 पे ओपन की गई। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग अंदर और दिखाते हैं आज की आपको इंटीरियर और सेट। तो गेट खोल के जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं, अंदर का माहौल एकदम शांत और ठंडा पड़ा हुआ रहता है, जहाँ पे हम लोग जाते हैं अपने सीट की तरफ। और अपनी सीट रहती है आज की साइड अपर। पिलो वगैरह जो है वो अभी रखा हुआ है सीट पे, और पिलो पे कवर नहीं है, तो बाकी पिलो की हालत देखिए भाई, गंदा पड़ा हुआ है पूरा का। कवर वगैरह नहीं चढ़ाया हुआ, पिलो की हालत देख पा रहे होंगे आप लोग। कि इंटीरियर के बारे में बात करूँ तो देखिए, साइड अपर और साइड लोअर के लिए एक ही पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। 6 बर्थ के लिए यहाँ पे 1 चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। यही होता है भाई साहब ICF कोच में, देख रहे हैं आप लोग 8 सीट के लिए करीब 2 चार्जिंग पॉइंट है, 6 सीट के लिए यहाँ पे हैं, बाकी 2 सीट के लिए यहाँ पे नीचे। तो अपना बैग हम लोग सीट पे रखते हैं और इंतज़ार करते हैं यहाँ के कोच अटेंडेंट आने का, बिकॉज इन सभी पिलो पे कवर जो है वो चढ़वाना था। जैसे कोच अटेंडेंट आएगा ना तो उनसे हम बोलेंगे कि भाई कवर इसके अंदर डालने के लिए। कोच की अगर साफ़ सफाई यानी क्लीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसे हम लोग रेटिंग 10 out of 10 देंगे, बिकॉज इस ट्रेन की क्लीनिंग, फिर चाहे वो कंपार्टमेंट हो, कोच हो या फिर वॉशरूम हो, तीनों भी चमक रहा था। ट्रेन को चलने के लिए अभी भी करीब 20 मिनट का समय जो है वो बचा हुआ था, तो हम लोग निकल पड़ते हैं आगे लोकोमोटिव कवर करने के लिए। तो गाइस लोकोमोटिव देख लीजिए स्क्रीन में, अजनी साइड का WAP-7 का लोकोमोटिव है जो अटैच है। तो अभी रात के करीब 9 बज रहे हैं, ट्रेन को चलने के लिए भी खैर 15 मिनट का समय बचा हुआ है, तो फटाफट चलते हैं अपने कोच में और लेते हैं हम लोग नागपुर के से 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे से डिपार्ट। निर्धारित समय से करीब एकदम ऑन टाइम पे 9:15 पर अपनी ट्रेन निकल चुकी है नागपुर के 2 नंबर प्लेटफॉर्म। नागपुर से ट्रेन निकलते ही सभी पैसेंजर्स को ब्लैंकेट, बेडरोल वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, उसके साथ ही सभी पिलो पे प्रॉपरली कवर भी चढ़ा दिया जाता है। हमारा 56 है, 56 अपर साइड अप। हाँ, योगेश पांडे। अभी देखिए रात के करीब 10 बजने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग ने घर से जो है डिनर लाया है। वैसे हम लोग घर पे नहीं थे, रिलेटिव के यहाँ पे थे, तो यहाँ पे हम लोग ने ये परोठे और यहाँ पे ये सब्जी लाया हुआ है। बाकी तो वो सब के साथ देखिए पिलो कवर, ब्लैंकेट, बेडरोल वगैरह जो है वो सभी को प्रोवाइड कर दिया गया है। वो तो चलिए अब वैसे भी ऑलमोस्ट कोच में भाई सब लोग सो ही गए हैं, तो सोते हैं और आपसे मिलते हैं, ये ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग से। तो तब तक के लिए गुड नाइट। रात में चैन की नींद सोने के बाद सुबह करीब 8:30 मेरी नींद खुलती है और अपनी ट्रेन खड़ी रहती है देवलाली स्टेशन पे। तो जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरता हूँ, लिटरली मेरे पास वर्ड्स नहीं रहते हैं बोलने के लिए यहाँ का क्लाइमेट देखने के बाद। बाकी ऊपर क्लाइमेट तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे।
देवलाली जो है ये आता है महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में, जिसे सेंट्रल रेलवे जोन के भुसावल डिवीजन के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। यहाँ से हॉन्गकॉन्ग हो गई है, बाकी चलिए लेते हैं। स्टेशन पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं इगतपुरी की तरफ, जो कि इस ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट था। तो देखते ही देखते हम लोग पहुंच जाते हैं महाराष्ट्र के कैसे हिल स्टेशन पे, जो कि जाना जाता है अपने प्रकृति यानी ग्रीनरी के लिए। मैं बात कर रहा हूँ इगतपुरी रेलवे स्टेशन की। तो गाइज अपने निर्धारित समय से करीब 30 मिनट डिले के साथ अब हम लोग जा पहुँचे इगतपुरी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है IGT। बाकी अगर मैं इस इगतपुरी के बारे में बात करूँ तो ये जाना जाता है यहाँ के विपासना इंटरनेशनल एकेडमी के लिए, जो कि जहाँ पे एंशियंट टाइम के अलग अलग तरीके की मेडिटेशन है जो वो कराई जाती है। इगतपुरी एक तरीके का हिल स्टेशन है जहाँ पे मानसून में घूमने के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आया करते हैं। अगर मैं प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूँ तो 4 नंबर प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन, जहाँ पर 95 ट्रेन आकर डेली रुकती है, जिसमें से एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और एक ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है। ये जो स्टेशन है आता है नासिक डिस्ट्रिक्ट में, जिसे सेंट्रल रेलवे जोन के मुंबई CSMT डिवीजन के थ्रू जो है वो ऑपरेट किया जाता है। तो सुबह नाश्ता में यहाँ पे तमाम चीज अवेलेबल थी, जैसे कि मेंदू वड़ा, इडली, समोसा पाव, वड़ा पाव और बनाना वगैरह जो है वो अवेलेबल इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे। आराम है क्या? समोसा पाव है। कितने का दिया? 30 का दो समोसा और दो पाव। देखे तो अभी फिलहाल हम लोग अभी मॉर्निंग का जो ना ब्रेकफास्ट है ना वो यहीं से करते हैं। ले लीजिए भैया, ठीक है, थैंक यू। तो इगतपुरी में 5 मिनट रुकते ही अपनी ट्रेन निकल पड़ी थी कसारा की तरफ, जो कि अब आने वाला था इगतपुरी कसारा घाट सेक्शन, जो कि पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ था। तो चलिए अभी फिलहाल वैसे भी घाट सेक्शन आने वाला है, तो फिलहाल अपना नाश्ता वगैरह जो है हम लोग कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का, चाय भी अभी ले लेंगे अंदर से और इन्जॉय करेंगे भाई। तो इगतपुरी से निकलते ही हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलता है कि अपनी ट्रेन है जो बादलों के बीच से क्रॉस कर रही थी घाट सेक्शन। घाट के बीचों बीच आते ही हमें देखने के लिए मिलता है एक वाटरफॉल, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, और लग बाय चांस अपनी ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट कर जाती है सिग्नल ना होने के कारण। तो यहाँ पे सिग्नल ना होने के कारण ट्रेन यहाँ पे कुछ देर के लिए खड़ी हो जाती है, तो मैं उतरता हूँ ट्रेन के नीचे थोड़ा व्यू का मज़ा लेने के लिए। तो हम लोग जाते हैं वाटरफॉल को अच्छी तरह से कवर करने के लिए, लेकिन वाटरफॉल है ना जो पेड़ से पूरा ढका हुआ था, पेड़ की वजह से पूरा कवर हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये तो अपनी ट्रेन,
और ये यहाँ पे घाट सेक्शन, भाई क्या ही वाइब है ये, जो ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है ना भाई, एक कसारा घाट सेक्शन का मानसून के टाइम पे सामने की तरफ, मतलब बहुत अलग ही मजा है भाई इसका। तो यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करने के बाद ट्रेन अपनी निकल पड़ती है आगे की तरफ। बाकी आप लोग ट्रैक पे ट्रैक मैंस को देख ही पा रहे होंगे, इनकी ड्यूटी ऐसी है फिर चाहे बारिश हो, धूप हो या ठंडी हो, इन्हें इसी तरीके से काम करना पड़ता है। तो भाई इन सबको हमारी तरफ से सैल्यूट है। आगे मेरी मुलाकात होती है एक सुंदर से नज़ारे से, जो कि पूरा बादलों से ढका हुआ था, जहाँ पे दूर दूर तक खुला आसमान और जंगल दिखाई दे रहा होता है। ये है कसारा घाट की सुंदरता, जो कि गर्मी के टाइम पे ढक जाती है, जहाँ पे सिर्फ चट्टाने और सूखे पेड़ दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे अचानक से अपनी ट्रेन एक्सेलरेशन पकड़ती है और एकदम तेजी से नीचे उतरने लगती है। आगे भारी बारिश के कारण मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाता हूँ, थोड़ी टाइम बाद अपनी ट्रेन पहुँच जाती है कल्याण के आउटर पे। देखिए निर्धारित समय से करीब 20 मिनट की देरी के साथ अब हम लोग जा पहुंचे इस ट्रेन का फोर्थ लास्ट हॉल्ट कल्याण जंक्शन। यहां पे दरअसल 3 मिनट का हॉल्ट है और ट्रेन आई है यहां पर 11:06 पे। बाकी तो ट्रेन आई है कल्याण के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे। कल्याण के बाद आएगा थाना, इसके बाद दादर, उसके बाद इसका लास्ट हॉल्ट मुंबई CSMT। ये ट्रेन की हॉकिंग हो गई, चलते हैं लेते कल्याण पे से डिपार्ट। बाकी इस ट्रेन को हम लोग दादर पे से करेंगे लीव, यानी डिबोर्ड करने वाले हम लोग इस ट्रेन को दादर पे से। पिछले 10-15 दिन से हम जर्नी कर रहे हैं और बारिश आके महाराष्ट्र में ही देखने मिली फाइनली। अमृतसर साइड तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम लोग गए हुए थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी अमृतसर साइड में। थाने में ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो गई है, देखिए। तो थाने को अलविदा बोलने के बाद अपनी ट्रेन निकल पड़ती है दादर की तरफ। आखिर कुछ ही समय बाद दादर आ भी जाता है। यहाँ पे ट्रेन अपने निर्धारित समय से बिल्कुल ऑन टाइम पे पहुँची थी, तो इसके पंचुअलिटी और टाइमिंग की वजह से नागपुर से मुंबई अप डाउन करने वाले लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग ट्रेन है ये दुरंतों के बाद। हालांकि दुरंतो प्रीमियम ट्रेन की कैटेगरी है, तो उसके और इसके प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ट्रेन यहाँ पे पहुँच चुकी थी, यहाँ पे हम लोग करेंगे इस ट्रेन को डीबोर्ड। वैसे अगर आप लोग याद रखिएगा, दादर उतरते हैं तो टिकट के बिना मत उतरिएगा भाई, बिकॉज यहाँ पे टिकट की जो चेकिंग है वो काफ़ी ज़ोरों तोरों से होती है। तो चलिए हम लोग करते हैं इस ट्रेन को यहाँ पे डीबोर्ड और मिलते हैं आपसे एक अगली नई जर्नी के साथ।